मेरा तो मिजाज ही बचपन से आशिकाना है। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये हनी। तुम्हें पता है क्या किया इसने? यूके में 5-6 गोरियां रोती हुई छोड़ के आया है, और ऊपर से एयरपोर्ट और जहाज में भी 2 गर्लफ्रेंड्स बना ली थी इसने। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम अजलान? मासूम और तुम जैसा ना चलाक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने डांस किया, पूरा एंजॉय किया, हमारे हिस्से की मिठाई खाई, और फिर कह रहे हो कि अभी भी सोच के पसीने आते हैं। चाहते क्या हो तुम? अब ये सारी बातें तो आमने सामने बैठ कर होंगी ना, तो बताओ कब मिल रही हो? अभी अभी मेरे जरखेज दिमाग में ना एक आइडिया आया है, और क्यों ना हम कराची में भी जो है ना वो 1-2 मैरिज हॉल शुरू कर दें, और उसकी सारी निगरानी मेरे गोमलू के हवाले कर दें। हैं, कोई एतराज तो नहीं है ना पुत्र तुझे? मुझे एतराज है। मैं तुम्हारी बहन जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुमसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं रिजेक्ट नहीं हो सकती तुम्हारी तरह। कर लो, तुम भी कर लो। मैं तो पैदा ही जलील होने के लिए हुआ था ना, है ना अब्बा? एक काम तुम्हें बहुत अच्छा आता है, पता है क्या? क्या? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। बस अब हमसे रिश्तेदारी करनी होगी ना, तो तुम्हें ये सारे खाने खाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अमल तो बहुत ही चटोरी है। अमल को तो बुलाई नहीं मैंने, बुला कर ला दी। जी जी जी। हेलो।